हे गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ संगीत सेरेमनी में, जो कि हो रहा है लेक गार्डन बैंक्वेट हॉल, जो रांची में है। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ मैं अपना लुक जो मैंने क्रिएट किया है संगीत सेरेमनी के लिए। संगीत और मेहंदी सेम डे था, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है और उसके साथ मैंने स्मोकी आइज क्रिएट किया है। तो इसके बाद जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो सॉन्ग्स हैं वो मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। तो सॉन्ग जो है मैं नहीं डाल पाऊँगी, तो आप लोग सिर्फ डांस एंजॉय कीजिए। तो लोकेशन में जाने के लिए मैं यहाँ पर ओला बुक कर चुकी हूँ, और ये बहु बाज़ार से ओला अगर आप लेंगे तो 200 के अप्रोक्स आपको यहाँ पर बिल दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं लेक गार्डन बैंक्वेट हॉल पहुँच गई हूँ। डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है हल्दी और मेहंदी के लिए, और आप डेकोरेशन को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर डेकोरेशन बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट किया है। अगर आपको इसका डिटेल्स जानना है किसने इस डेकोरेशन या इवेंट प्रोग्राम किया था, तो मैं इसका डिटेल्स आपको आप कॉमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसका कॉमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे दूँगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ब्राइट टू बी जूही के पास, और ये जो सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर वो पोज दे रही थी, तो मैंने यहाँ पर वीडियो किया है। बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर जूही। और हॉल में एंट्री करते ही मम्मी को आंटी मिल गई थी, तो मम्मी आंटी के साथ फिर बातचीत किया, और फिर आंटी भी बहुत बिजी थे, लेकिन उसके बाद आंटी ने हमें हमारा वेलकम किया। कि पुरानता नहीं बोलती है कि जब हम चक्कर मेरे नौ बज जाएगा तो लेकर हम देखने नहीं जाएंगे उसे चल नहीं बहुत लेट करती हो तो हम तो शो में नौ दस बजे से पहले आएंगे नहीं। हम तो वीडियो कर बना रहे हैं, अपना ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बनाना फोटो। तो मम्मी के साथ आंटी का वीडियो और फोटो लेने के बाद मैंने आंटी के साथ फोटो और वीडियो कुछ क्लिक किया। और इसके बाद यहाँ पर डेकोरेशन जो है इवेंट का जो डेकोरेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मुझे कैप्चर में मिल गया ब्राइड टू बी उसके ब्रदर्स बिग ब्रदर्स के साथ फोटो खींचने के लिए। और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ है गणेश बप्पा की गाने के साथ, जो मैं गाना आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और उसके बाद दुल्हन का जो बैंड सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स सब है, वो सब मिलके डांस कर रहे थे। बाद दुल्हन अपने सारी कज़न के साथ एक साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और स्टेज में डांस कर रहे हैं। बहुत ही मस्ती किया था इन लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा था। एक बहुत अच्छा एक इवेंट यहाँ पर रेडी हुआ है। तो आप लोग भी अगर इस तरह के छोटे छोटे इवेंट अपने शादी में या संगीत में मेहंदी में करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं इसका डिटेल्स आपको बता दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है, तो आपको एक गाइडेंस भी आ जाएगा। ब्राइट जो है ये सोलो परफॉर्म की है, बहुत अच्छा डांस भी करती है ये, तो ये सोलो आप लोग एंजॉय कीजिए विदाउट सॉन्ग।
इसके बाद दुल्हन की ब्रदर्स दुल्हन को बहुत अच्छे चांसेस देता है, आप लोग वो सुनिए। बोलती थी ना कि किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं हो पाता, लेकिन भगवान है, सब कुछ समय से हो जाता है, बस धीरे धीरे था और जहाँ भी रहकर खुश रहते हैं। मम्मी पापा का प्यार, हम लोग का प्यार हमेशा ध्यान रखता है, कभी अकेला फील नहीं करना, हो सकता है भाई झगड़ा में बढ़ते रहते हैं भाई बहन, थोड़ा समझना तुम थोड़ा कुछ उसी जगह ठीक है। बहुत प्राउड फील करते हैं कुछ लोग और हमेशा बस हम चाहते हैं कि जितना भी जन्म ले हमारे साथ पर भाई सोचा बड़ा उनको बहन माने ठीक है, प्लीज हो ना। यहाँ पर जूही बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत रो रही थी। दुल्हन अपने भाई के साथ स्टेज शेयर किया और उसके बाद ही इमोशनल मोमेंट को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए यहाँ पर गेम भी रखा हुआ था। यहाँ पर ये पेज जो है ये सबको दिया गया था और यहाँ पर ऊपर से स्टेज से नंबर बोला जा रहा था, जो नंबर आपके पास आएगा वही नंबर फिर आपको मतलब उसको नंबर को हटा देना पड़ेगा, जिसका ये जो पूरा पैलेट खाली हो जाएगा या फिर एक रो ख़त्म हो जाएगा आपका नंबर बोलने के बाद, वही विनर्स या सेकंड विनर्स बनेगा। तो वैसे यहाँ पर गेम चल रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने भी ये गेम खेला। उसके बाद दुल्हन का सारा जो ब्रदर्स है वो सब स्टेज शेयर किया, बहुत मस्ती की है लोगों ने, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देखें। सब प्रोग्राम होते होते काफ़ी लेट हो गया था और फिर हम लोग ने यहाँ पर डिनर किया, डिनर में बहुत कुछ था, स्टार्टर में भी बहुत चीज़ें था, तो वो सारी चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ
और मैंने यहाँ पर बस मुझे थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग गया था लेट हो गया था खाने, तो मैंने अपने थाली सजा कर बैठ कर मैंने अच्छे से खाना खा लिया और फिर हमने चला है घर। तो वीडियो में आप लोग का कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आगे भी आपको कुछ भी जानकारी लेना है इवेंट के बारे में या फिर आप लोग का ये डेकोरेशन या फिर कैटरिंग के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।